मैं एक चीज बोलूं, अगर आप ये एंटॉर्क वेस एक्सपी अभी लेने जा रहे हो ना, तो आपको ये अप्रोक्स मिलेगी। फोर इंजन है इसमें, मजाक कर रहा हूं। चेक करना। दुख वाली बात मेरे को डिसएडवांटेज इसमें यही लगती है। टू दी चैनल डी एच पी 79 राइडर, आज हम आ चुके कुछ इस तरह की लोकेशन पे। चेक करो, ये मलियाना है आपका पीछे और ऊपर कोई शिमला का एरिया ही पड़ता है, क्लाउडेल वगैरह। आज एक नए तरह का वीडियो लेके आए हम चैनल पे, एंटोर के भाई की, राहुल भाई की, जिनका मैंने चैनल आपने देखा ही होगा, हमारे साथ हम साथ में चलते रहते दोनों। उनके चैनल का नाम है हाइपर काइनेटिक ब्लॉग्स, उनके चैनल का लिंक भी नीचे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो उनकी स्कूटी है बिल्कुल फुल्ली मॉडिफाइड है भाई, खतरनाक तरीके से बनाई है भाई ने। उसका पूरा रिव्यू लेंगे कि उनको भी चला के तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो उसके बारे में बताएंगे कि कैसी परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज देती है और प्राइस रेंज सब कुछ बता के और क्या कॉस्ट की पड़ती है। तो चले फिर मिलते हैं फिर आगे। भाई ये अपने राहुल भाई, हेलो भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। बस बढ़िया यार, अभी आज भाई आया, मैंने बताया था आपको, मतलब इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, मैंने इससे पहले बताया था आपको कि भाई के चैनल पे पूरी वीडियो मिलेगी। तो जो जो नहीं मतलब देख पा रहा है, मैं वो मतलब लिंक शेयर कर दूँगा, व्हाट्सएप सारी जगह कर दूँगा। इस वीडियो को मस्ट 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 देखना भाई, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरा इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको, बाकी भाई के क्वेश्चन मेरे आंसर सारे। तो पहले भाई पूछना था कोई, कब का मॉडल है ये? ये भाई जब लॉन्च हुआ था 2021 में एंड में, तो स्टार्टिंग में मैंने बुकिंग करी थी, जो कि 2 महीने बाद मुझे इसकी डिलीवरी मिली थी। अच्छा, उस टाइम आपको कितने प्राइस में मिल गए ऑन रोड बिल्कुल पूरा? मेरे को पड़ी थी विदाउट एक्सेसरीज, वो जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो मैंने नहीं लगाए थे, तो मेरे को पड़ गई थी वो अप्रोक्स 111,000 समथिंग। 111,000 समथिंग। अभी कितनी चल पड़ी मतलब टोटल? ये टोटल चलिए 15,000 के आसपास, और अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें, मतलब पावर रिलेटेड कुछ दिक्कत नहीं आई। इनलाइन 4 इंजन है इसमें, मजाक कर रहा हूँ। इनलाइन 4 नहीं है इसमें, इसमें सिंपल 125 सीसी का इंजन है, जो कि 10 bhp के अराउंड पावर देता है, मतलब सबसे ज़्यादा 125 cc में सबसे ज़्यादा पावर देने वाला स्कूटर एंटॉर्क का। जो रेस XP मॉडल है जो मेरे पास है, रेड अलॉयज़ आते हैं इसमें, देख सकते हो आप, इसमें रेड अलॉयज़ आते हैं जिसमें मतलब bhp कुछ ज़्यादा मिलती है बाकी एंटॉर्क के मुकाबले। अच्छा, और माइलेज पूछो मत, माइलेज नहीं नहीं माइलेज काफ़ी बता दो, माइलेज कितनी कितने कर दे देती है? तो माइलेज इसकी मिलती है यार अप्रोक्स लगा लो सिटी में 30-35 के आसपास, और लॉन्ग में जाओगे तो 40 भी दे देगी स्ट्रीट मोड पे। अच्छा, मोड पे 30 के आसपास। टोटल कितने मोड है इसपे? 2 ही मोड्स है, और एक रेस मोड है और एक स्ट्रीट मोड है। ज़्यादा तक मेरे को आइडिया शायद स्कूटी है कि यही स्कूटी है जिसमें मोड वगैरह आते हैं मतलब। नहीं नहीं, रेस एडिशन भी है इसका ना। अच्छा, तो रेस एडिशन में भी है बट पावर का थोड़ा है मतलब फर्क है उसमें और इसमें, काफ़ी फर्क है। भाई ने इसको मॉडिफाई की हुई है खतरनाक तरीके से, मैं कैमरा मेरे नज़दीक से फोकस करे कि भाई खर्चा इसमें जो है कितना आया हुआ? टोटल खर्चा है कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है, पर मतलब ऐसे मोटा मोटा जैसे हैंड गार्ड वगैरह हो गए, ये विंगलेट वगैरह हो गए, सब कुछ टोटल कितना खर्चा है? और बाकी तो ये भाई जो आपने रैप किया हुआ ये, तो इसका मैं आइडिया बता नहीं सकता क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके लगाओगे ना तो आपको याद मतलब नहीं रहता है, मतलब मोटा मोटा बता देता हूँ 1500 रुपये के आसपास ये वाले पड़ते हैं, जो कि आधे मेटल के आधे प्लास्टिक के हैं। फिर ये 300-400 रुपये के ये कनाट्स बोलते हैं इनको, ये पड़ते हैं। फिर विंगलेट वगैरह तो 100-150 रुपये का भी मिल जाता है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी टेप टूप का कराते रहते तो उसमें आइडिया नहीं रहता कितने। हाँ, उसकी तो जो फुल वीडियो है वो तो इन्होंने बनाई हुई है ना भाई की, मतलब इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उस पर जो शॉप का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल सब डाल रखी है, उन भाई से आप पूछ सकते हो कि कितने का ये अप्रोक्स पड़ जाएगा। बट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि रैप से तो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा आपको, और काम भी भाई ऐसा खतरनाक ही होगा कि बिल्कुल टोटल अभी तक मेरे ख्याल 7-8 दिन तो हो ही गए इसको करवा के। हफ्ता तो हो गया, और बिल्कुल कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि भाई कहीं से उखड़ा हो, फिर भी लगी जाता थोड़ा बहुत, और जबकि काम भी बारिश के टाइम हुआ है, उस टाइम बारिश थी। इसमें सिमटेक के फ्लैशर्स भी इंस्टॉल कर रहे हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से। हाँ, एक बार ऑन कर दो चारों इंडिकेटर। कैसे ऑन करने पे
फ्लैश इंडिकेट करता है, मतलब इसमें सिमटेक इंस्टॉल्ड है। और बाकी मैं ऑन कर लेता हूँ क्योंकि पहले भी इसकी बैटरी जा चुकी है इसी रीज़न से। सो इस हिसाब के इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स है, मेरे को आइडिया नहीं कितने पैटर्न्स है, बट मैंने जस्ट लुक के लिए लगा दिए, काफ़ी मतलब यूनिक सा अलग सा लुक देता है। बाकी इसकी एडवांटेज भी बहुत है और डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी है। एडवांटेज ये है कि आप अगर फॉग में चल रहे हो तो एलईडी होने की वजह से जो मैंने इसके इंडिकेटर है वो भी चेंज कर रखे हैं, ये एलईडी के अंदर है, क्योंकि जो हेलोजन होता है वो स्पीड नहीं दे पाता है, तो एलईडी प्रॉपर स्पीड देते हैं, उस वजह से मैंने ये लगाया। और इसमें मतलब एलईडी लगाने से फ़ायदा ये है कि जैसे आप फॉग में जा रहे हो, फॉग में चलोगे तो दूर से ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा कि कुछ आ रहा है, कुछ चीज़ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी हेडलाइट वगैरह तो सिंपल ही है यार इसकी, बाकी इसमें तो कुछ चेंज नहीं है। इसमें तो कोई इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं कैसा है भाई, और ये बिल्कुल मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं की हुई है इसमें, स्टॉक है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है मतलब। हाँ, कोई बिल्कुल मॉडिफिकेशन कुछ नहीं। ऐसी प्यारी लगती है, पता क्यों? क्योंकि बंदे कई बंदे करते हैं कि एग्जॉस्ट चेंज करा लेते हैं, और एग्जॉस्ट चेंज कराने से फिर मतलब माइलेज इंजन में मार पड़ती है, इसलिए मैंने अभी तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। अरे इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं यार, साउंड बड़ी जबरदस्त है इसकी। एक बार चेक करो, साउंड चेक करना। रेस मोड में इसकी आवाज़ थोड़ी सी ना बढ़ जाती है। अच्छा, तो मैं बोलूँगा माइक इधर लगाओ ज़रा, शायद आपको वीडियो में शायद आ जाए वो चीज़, तो मैं रेस मोड में डालूँगा, इधर रखना माइक। वाली बात मेरे को डिसएडवांटेज इसमें यही लगती है, मैं आपको बूट स्पेस दिखा रहा हूँ। ओ भाई 107 टच कर गई थी, तो सबसे ज्यादा बताऊँ इधर आओ, बूट स्पेस में मैंने कबाड़ रख रखा है, ग्लव्स और कपड़े, तो यहाँ पे स्पेस तो इतना दे रखा है ना, मेरे को आइडिया नहीं कितना है, बट ये कि इधर फुल फेस हेलमेट कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, मतलब हाफ फेस मतलब होता है ना हेलमेट, वही आता है यहाँ पे। भाई बेगा का हेलमेट पहनते वो भी नहीं आ बेगा का, तो आएगा ही नहीं ना यार, कहाँ से आएगा। और मेन चीज़ इसमें ये दे रखा है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, एलईडी लाइट है, ओबीडी सेंसर वगैरह मिल जाता है इसमें आपको, और मतलब बढ़िया है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और BS6 आता है ये, और मतलब और क्या चाहिए, आपने सिटी में गेड़ियाँ मारनी है ना, और आपको पावर चाहिए एक टाइप की भयंकर वाली, उसके लिए। बाकी सर्विसेज वगैरह इसकी मैंने सारी टाइम टू टाइम करी है, इसकी मेरे ख्याल से 7th सर्विस पेंडिंग है, नहीं मे भी शायद हो गई है, मतलब 6th तो कंफर्म है कि हो गई है इसकी, 6 सर ज़्यादा वो देखो सब्सक्राइबर। ओके ओके ठीक है। ये कि इसकी ब्रेकिंग कैसी है, मतलब कि इसमें पीछे जो ड्रम ब्रेक है ना और आगे भाई ब्रेकिंग के मामले में बढ़िया है, मतलब स्कूटी है, मतलब स्कूटी के मामले में तो आगे फ्रंट में इसके डिस्क मिलती है, पीछे ड्रम ब्रेक है, पीछे वाली ब्रेक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब पीछे वाली ब्रेक दबाने में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम और दिक्कत आती ही आती है, वो मेरे ख्याल से सभी को आती होगी, क्योंकि जिसमें ड्रम है वो तो मेरे ख्याल से लगती नहीं है, पर मतलब कंट्रोल हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी अच्छी है। और बाकी आप टायर वगैरह चेक करोगे, अभी 15,000 चल पड़ी है, अभी भी इसमें थोड़ी थोड़ी जान है, तो 16,000 में मेरे ख्याल से इसकी सर्विस भी आने वाली है, तो मैं टायर भी चेंज करा दूंगा और सब कुछ। ये आपके स्टॉक टायर अभी तक आपने कोई चेंज नहीं करा? अच्छा। आगे वाला तो ख़त्म है, ख़त्म हाँ। मतलब थोड़ा सा बचा है, पर मतलब 15,000-16,000 चल पड़ा है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में यहाँ पे रोड वैसा ही होता है, कच्चा पक्का, और मैं इसको सिटी में नहीं, मैं ड्राइव मतलब सिटी में राइड नहीं करता मैं इसे, मैं इसको राइड करता हूँ मतलब लॉन्ग रूट्स पे ही ले जाता हूँ, जैसे मतलब कोटखाई हो गया मेरा गांव हो गया, कहीं दूर नाहन हो गया, सोलन हो गया, कहीं दूर दूर ले जाता हूँ, तो उस वजह से और थोड़ा बहुत हो ही जाता है। काजा भी जाना है। इसलिए मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर आप ये एंटॉर्क रेस XP अभी लेने जा रहे हो ना, तो आपको ये अप्रोक्स मिलेगी 1,28,000 की शिमला में ऑन रोड, मैंने पता करा था। तो बाकी अगर लेनी है परफॉर्मेंस 125cc में, अगर आपने भयंकर फाड़ परफॉर्मेंस लेनी है ना, तो आप यही लेना भाई। हाँ, प्राइस के मामले में प्राइस का हो सकता है 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो, मतलब हाँ, इतना हो सकता है अलग अलग सिटी में मतलब ना, पर एक ही शिमला का बता रहे तो इतने की पड़ेगी। हाँ। बाकी आप जो देखोगे तो मेरा इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है
सो इधर को देखो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम बेवड़ा, मजाक मत उड़ाना मेरा प्लीज। बाकी और अगर और कुछ जानना होगा तो भाई के चैनल पे और मेरे चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लो, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। कमेंट बॉक्स में इंस्टा पे डीएम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं, सब बता देंगे आपको फुल डिटेल बिल्कुल पूरे तरीके से। तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को भी, इनके नहीं, इनके भी मेरे मेरे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।